ये बहुत ही डीप सा फैक्ट है, आप रिलेट कर पाओगे इसे। क्या है कि साइकोलॉजी ये कहती है इस फैक्ट को कि आप जो किसी को कहते हो ना कि आप बदल चुके हो या फिर तुम बदल चुके हो, तो जब हम लोग देखते हैं इंसान के परिवर्तित का बदलना, तो एक्चुअली में क्या होता है कि इंसान बदलता नहीं है, बल्कि आप उसके बारे में जाने ही नहीं होते हो कि वो एक्चुअली में ओरिजिनली कैसा है। तो ऐसी कुछ बात है कि आप उसको ठीक से जाने ही नहीं होते हो एंड आप उसका रियल नेचर देखते हो। तो ऐसा नहीं है कि इंसान बदल गया, बल्कि वो अपने ओरिजिनल रूप में आ रहा है। ऐसा होता है ज्यादातर केसेस में, वो असल में नहीं बदला है। यू जस्ट नेवर न्यू हु दे एक्चुअली वर, वो क्या है वो आप जानते ही नहीं थे, क्योंकि इंसान के बदलने के लिए बहुत सारे चीजें चाहिए एंड ब्रेन ऐसा है कि वो बहुत हार्ड कोर रूप से काम करता है। इंसान का अचानक से मेंटलिटी बदल जाना ये बहुत ही कम समय में नहीं होता है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट कि जब किसी दो इंसान के बीच में दोस्ती होती है, फिर जब वो लोग मैसेज में बात करना शुरू करते हैं, तब जब भी ऐसा हो कि वो जैसे कुछ टेक्स्ट में भेजे और आप उस टेक्स्ट को उनके आवाज में पढ़ पा रहे हो, तब समझ जाना कि आप रियली में बहुत क्लोज आ चुके हो उनके। क्योंकि ये पाया गया है कि जब किसी का रिलेशन या फिर प्यार बहुत गहरा हो जाता है, तब जो टेक्स्ट होते हैं टेक्स्ट मैसेज, उसको वो लोग उनके वॉइस में पढ़ पाते हैं और दिमाग में उसी वॉइस में इमेजिन करते हैं जिनका मैसेज होता है, जब आप उनके मैसेजेस को पढ़ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट, ये एक बहुत ही डीप सी फैक्ट है, आपको पूरा फोकस से देखना होगा। मतलब मैं आपको इस फैक्ट के बारे में बताऊंगा, पहले आप स्क्रीन पर देखो, ये जो लाइन है इसको आप पढ़ो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ इज द वन हु कम्स फर्स्ट इन योर माइंड आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस। मतलब जब मैं अभी ये सेंटेंस पढ़ा, तो द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, ये जो आप सुने, तब आपके दिमाग में कोई ना कोई पर्सन आया होगा या फिर पढ़ने के बाद जरूर आया होगा कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पर्सन प्रोबेबली कौन है। तो जो आपके दिमाग में आया ये लाइन पढ़ने के बाद, चाहे वो कोई भी हो जो आप अपने लाइफ के सबसे बेस्ट पर्सन मानते हो, वही एक्चुअली में आपके लिए बेस्ट है, आपकी माइंड की बात करें तो। क्योंकि ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद लोगों के मन में इमीडिएटली प्रोबेबली किसी न किसी का इमेज जरूर आया होगा। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि बहुत सारे स्टडीज में जितने भी सर्वेस हुए हैं, उसमें ज्यादातर ये पता चला है ना कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, असल में क्या होता है कि एक इंसान सामने के दो तीन फ्रेंड्स को ही वैल्यू करता है और दो तीन फ्रेंड्स को ही फुल्ली ट्रस्ट करता है और डेडिकेट करता है अपने आप को। ऐसा है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बट एक्चुअली में जो आपके क्लोज हैं, वो सिर्फ दो या तीन ही होंगे। क्या ये रियली में सही है कि आपके भी दो या तीन ही फ्रेंड हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड हैं? एवरेजली यही होता है कि दो से तीन ऐसे लोग होते हैं आपके जिंदगी में जो कि आपके सबसे करीब होते हैं। तो क्या आपके पास भी दो या तीन ही फ्रेंड हैं एकदम पक्के वाले? क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास भी दो से तीन ही फ्रेंड हैं एकदम सच्चे वाले। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि जितने भी लोग हैं, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ बातें होती है, कुछ फीलिंग्स होती है जो कि वो इस दुनिया को कहना चाहती है, बट ज्यादातर टाइम 80% ऑफ द टाइम वो बाहर के लोगों को इसलिए नहीं कहती क्योंकि उनको पता होता है कि बाहर के लोग समझ नहीं पाएंगे उनके फीलिंग्स को और बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। मतलब देखा जाए तो स्टैंड्स के हिसाब से 80% ऑफ द पीपल दूसरे से इसलिए बातों को या फिर अपने फीलिंग्स को नहीं शेयर करते। क्या ऐसा आप भी करते हो? क्या आप कुछ शेयर करना चाहते हो लेकिन आपको पता है कि ये दुनिया नहीं समझेगी, दुनिया आपके इस फीलिंग को नहीं समझ पाएगी, इसलिए आप नहीं बताते हो? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। दुनिया का तो पता नहीं, अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो कमेंट में आप कह सकते हो, और यदि अपनी फीलिंग्स बतानी हो या फिर अपने मन की कोई बात कहनी हो तो नीचे मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।